सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिला स्टाइल्ड एंड मैं हूँ शिला। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी यूट्यूब अर्निंग, यानी कि मेरी फर्स्ट पेमेंट। तो यस, मुझे यूट्यूब से मेरी पेमेंट मिल गया है, एंड कितना मिला है, कैसे मिला, सब कुछ मैं आज आप लोगों के सामने रिवील करने वाली हूँ। तो इसको देखने के लिए, जानने के लिए आपको ना वीडियो को एंड तक देखना है। एंड हाँ, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि जितने भी सारे न्यू यूट्यूबर्स हैं ना, उनके पास भी ये मैसेज पहुँचे इस वजह से। तो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले, यूट्यूब से अर्निंग करना उतना ज़्यादा ईजी तो नहीं है, बट उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है जितना आप सोचते हो। तो यस, अगर आप कोशिश करते हो ना तो सब कुछ पॉसिबल है। तो मैं भी 3 साल स्ट्रगल करने के बाद फिर आज इस जगह पे हूँ। मैं अभी भी, मेरी चैनल उतना ज़्यादा हाई लेवल पे भी नहीं है, उतना सारा व्यूज़ भी नहीं है, जितना आप लाइक करते हो उतना व्यूज़ आता है एंड बस। बट फिर भी यस, मेरी 3 से 4 वीडियो वायरल हुई थी, सब हेयर कलर के ऊपर था। तो वायरल होने के बाद इस वजह से मुझे पेमेंट मिल गया। तो अभी मैं आपको बताऊंगी तो कैसे रिसीव हुआ। तो बेसिकली मोनेटाइजेशन के बारे में मैंने मेरी यूट्यूब जर्नी में एक शेयर की थी, कैसे मुझे मोनेटाइजेशन मिला वगैरह वगैरह। तो आज शेयर करने वाली हूँ पेमेंट। तो मोनेटाइजेशन मुझे फेब्रुआरी में मिली थी। यस, मेरी शादी की 10 दिन पहले मुझे मोनेटाइजेशन मिल गई थी। यस, तो एंड पेमेंट मुझे मिल रहा है, आज है सितंबर। यस, तो आज है सितंबर, 1 सितंबर, बट मुझे पेमेंट अगस्त में ही मिल गया था, मुझे अगस्त में ही मिल गई थी। एंड मोनेटाइजेशन मुझे फेब्रुआरी में मिली थी। तो बीच में लगभग 6 मंथ की डिफरेंस है बीच में। तो यही 6 मंथ मेरी अर्निंग की स्ट्रगल था। तो यस, एंड सबसे ज़्यादा हार्ड, मोनेटाइजेशन तो बहुत इजीली मिल सकता है, बट अर्निंग, अगर कोई भी इस वजह से यूट्यूब में आते हो कि मुझे अर्न करना है, तो नहीं यार, इतनी इजीली से लाइक इतना इजी तरीके से नहीं होगा। बट हाँ, अगर आप करते करते हो जाता है ना, देन आपको ये लगेगा कि बहुत ज़्यादा इजी है बहुत। बट अगर आप अर्निंग के लिए ही आते हो यूट्यूब पे, तो फिर आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। ये मैं लिख के दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैशन की ज़रूरत होता है इसके अंदर। एंड शाय तो बिल्कुल भी मत होना, अगर आप शाय होते हो ना तो कैमरा फ्रेंडली कभी भी नहीं हो सकते हो। तो इस वजह से अगर आप शाय हो तो उसे दूर रखो, फिर कैमरे के सामने आओ। मैं भी पहले बहुत ज़्यादा शाय थी, कुछ अच्छी तरह से बोल भी नहीं पा रही थी, बट अभी सब कुछ क्लियर है, मेरी हर एक थॉट क्लियर होता है। तो आज मैं एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बट बता देती हूँ मैं आपको, तो अगस्त में जब मेरे $100 कंप्लीट हो गई, तो आप यूट्यूब में जब तक आपकी $100 होता है, तो जब तक आपका $100 कंप्लीट नहीं होता है, तब तक आप आपकी डॉलर को इंडियन रुपीस में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, अपने अकाउंट पे नहीं ला सकते हो। तो सबसे पहले आपको वेट करना होता है कि कब मेरी डॉलर $100 में होता है, तब जाके हम इसे पेमेंट ले सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले बात करते हैं एडसेंस। तो एडसेंस एक ऐसा अकाउंट होता है, तो जिसमें आपकी US की जो डॉलर है ना, ये आके एडसेंस पे ही आता है हर महीने की 8। मेरी तो 8 तारीख को, हर महीने 8 तारीख में मेरी एडसेंस में डॉलर आ रहा था। तो शायद मैं हिंदी सही बोल रही हूँ, हर महीने की 8 तारीख को मेरी डॉलर एडसेंस पे आके जमा हो रहा था। एंड जमा होते होते एक दिन मेरे $100 हो गया, देन मैंने पेमेंट को उठा लिया। तो अभी $100 कितना होता है? तो अभी $100 गाइस, अगर $1 हमारी इंडियन रुपीस में, शायद मैं आपको देख के बता देती हूँ कितना है। तो मैं तो इतना ज़्यादा ओपनली नहीं बोल सकती कि मेरी पेमेंट कितना आया, बट आपको मैं ऐसे हिंग दूंगी कि आप समझ जाओगे कि मेरी फर्स्ट पेमेंट कितना आया था, आई थी, शायद मैं आया था, आई थी मैं $1, ओके, 73 रुपीज़ गाइस। तो अगर $1 हमारी इंडियन रुपी की हिसाब से 73 होता है, तो $100 कितना होगा आप कैलकुलेट कर लेना खुद। तो $100 से ज़्यादा हुआ था मेरा, तो मैं बताऊंगी कितना। तो एडसेंस ऐसा एक अकाउंट है, आपकी यूट्यूब बहुत ही ध्यान से, सावधानी से इसे खोलना होता है, क्योंकि ये एक बार ही होगा, बार बार आप एडसेंस नहीं कर सकते हो। एंड
बस मुझे मेरी जीजू ने ओपन कर दी थी एंड यस डॉलर आने लगा, फिर 100 हुआ, फिर मैंने सोची थी कि मैं इसे अब उठा लूँगी, बट स्वीप कोड गाइस, ये एक ना स्वीप कोड होता है। स्वीप कोड क्या होता है, अगर हमारी इंडिया से बाहर से अगर कोई भी पैसा हमारे अकाउंट में आता है ना, तो स्वीप कोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डॉलर अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें स्वीप कोड देना ही है। तो स्वीप कोड लेना थोड़ा सा मेरे लिए हार्ड था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे उतना मेरी भैया ने जाके फिर स्वीप कोड लेके आया, फिर मिला। तो अभी आते हैं ना मेन बात पे, मैं बहुत ज़्यादा बकबक कर रही हूँ, मुझे कितना ज़्यादा पेमेंट मिला है। तो अगर $1 में 73 होता है तो $100 में कितना होता है कैलकुलेट कर लेना एंड बता दूँ क्या। अभी देखो मैं लेंस पहनी हुई हूँ ना, आगे रिंग लाइट है तो आंखों में पानी आ रही है इस वजह से। तो ओके, मैं एक लड़की की हेयर स्ट्रेटनिंग की बात करती हूँ कि अगर आप दो बार हेयर स्ट्रेटनिंग करते हो ना, तो आपकी पेमेंट जितना लगेगा, जितना पैसा लगेगा दो बार हेयर स्ट्रेटनिंग करने के लिए, उतना ही पेमेंट मुझे मिला है। एंड अब सोच लो हेयर स्ट्रेटनिंग में कितना पेमेंट पैसा लगता है, तो अगर आप दो बार करते हो तो दो बार में जितना पैसा लगेगा उतना पैसा मुझे यूट्यूब से मेरे फर्स्ट पेमेंट पे मिला है। तो डायरेक्ट तो मैं कभी भी नहीं बोल सकती हूँ, बट फर्स्ट पेमेंट गाइस मेरा इतना सा ही है, तो पहली बार है ना इसलिए थोड़ा सा कम मिला। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे और भी ज़्यादा अर्निंग कर पाऊँ एंड अगर आप लोग मुझे हेल्प करते हो ना, तो शायद मैं और भी ज़्यादा अर्न कर सकती हूँ। तो यस गाइस, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर देना, ठीक है। तो अभी के लिए टाटा।